अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इस वीडियो में दिखाने लगे हैं एक कंपनी फैक्ट्री लेवल का सिस्टम जो कि कैंडीज या बिस्किट वगैरह बनाने के लिए काम आता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर के अंदर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, लेवल 2 एंड चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 के अंदर जब हमारे हमने फुल व्यू किया कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुपिंग बनी हुई है कि शेयर होल्डर्स हमारे बनेंगे 11, लॉन्ग टर्म लोन्स बनेंगे 12 में, फिक्स एसेट्स बनेंगे 13 में, उसके अलावा हमारे पास जो भी पेएबल अकाउंट हैं वो हमारे एडवांस वाले वो 15 में, इसी तरीके से सिक्योरिटी 16 में, इसके अलावा जो हमारे पेएबल अकाउंट यानी कि सप्लायर हैं वो बनेंगे 31 के ग्रुप में, और उसके अलावा हमारे जो रिसीवेबल्स हैं यानी कि हमारे वो कस्टमर्स जिनको हम सेल करते हैं और उनसे कैश ऑन रिसीव करते हैं वो 35 में बनेंगे, एडवांस स्टाफ 44 में, कैश बुक और बैंक बुक 45 में, और इसी तरीके से हमारे पास नीचे एक्सपेंसिज आ जाएंगे 55 में। इन्हीं ग्रुपिंग्स को हम लेवल 2 के अंदर सब ग्रुपिंग में कर देते हैं। लेवल 2 में फुल व्यू किया तो ये देखिए इनकी सब ग्रुपिंग होगी, यानी कि ग्रुपिंग पहले से वही है, आगे 01 पे अलग ग्रुपिंग आ गई और 02 पे अलग ग्रुपिंग आ गई। इसी तरीके से हमने ये सारे काम किए, अगर सब ग्रुपिंग की हुई है जैसे यहाँ पर हमारे पास पेएबल में एक ही ग्रुपिंग रहेगी लेकिन रिसीवेबल में हमारे पास एरिया वाइज ग्रुपिंग होगी है। 35-0 में फिर साहिवाल की पार्टीज आ जाएंगी, 35-02 पे रेंजिया खान की, 35-03 पे बुरे वाला की। 35 का मीन है कि ये कस्टमर्स हैं हमारे सारे, और 01 का मतलब है कि साहिवाल की पार्टी, 02 का मतलब है रेंजिया खान की पार्टी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं ये तकरीबन 20 के राउंड अबाउट, ये ऑलमोस्ट हमारे पास बने हुए हैं यहाँ पे एरिया, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमने बनाए हुए हैं। और नीचे आते आते हमारे पास आगे लास्ट के ऊपर 99, हमारे पास पूरे 99 यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, और इसके बाद अगर मजीद हमारे पास कोई एरियाज रह जाएँ तो हम उनके लिए अलग से 36 की ग्रुपिंग बना के उसमें वो एरिया बना देंगे। इसी तरीके से कैश आ गया हमारा, कैश बुक हमारा 45-01 में आ जाएगा और बैंक के हमारे सारे हेड 45-02 में आ जाएंगे। आगे हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए, और एक्सपेंसेस में हमारे पास सेलिंग गुड एक्सपेंसेस के अलावा जो भी मजीद एक्सपेंस बनाना चाहें वो ये एक्सपेंस के हेड के ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा जब हम लेवल 2 से बाहर आएंगे तो हमारे पास आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। लेवल 3 के अंदर हम पार्टीज के हेड बनाते हैं, यानी कि अब 35 और उसके आगे जितने भी हमारे कस्टमर के एरिया थे वो सारे जो बने थे वो ये रखे। यहाँ पर हमने खोला था ये 11 में ग्रुपिंग के कुछ हेड बने हुए हैं, ये आगे उसकी पार्टी हेड बना हुआ है। इसी तरीके से ये नीचे 13 में, 15 में परचेज के हेड आगे, ये हमारे पेएबल अकाउंट्स आगे 31-01 और 0001, तो ये पहली पार्टी है। अगर मैं यहाँ पर पेएबल की कोई भी पार्टी बनाना चाहूँगा तो मैं ग्रुपिंग दूँगा 31-01। अब 001 का मतलब है कि मैं पहली पार्टी बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहली पे एंटर किया तो उसने बताया कि 0167 पे आप तक आपकी पार्टी बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि 31-01-0168 हमारा कोर्स आप तो वहाँ पर हम पार्टी का नेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया अहमद अली के नाम पे पार्टी, उसका एड्रेस फोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद हम उसकी ग्रुपिंग बता देंगे कि ये कौन सी ग्रुपिंग है हमारा, क्या है, रिसीवेबल है या पेएबल है, तो हमारा स्काई पेएबल आ जाएगा। और इसके बाद हम मेन कस्टमर को उसका बता देंगे कि वो क्या है हमारा, ये कि हमारे किसी मतलब कि जो भी पार्टी का नेम होगा हमने कहा ये न्यू पार्टी है हमारी। उसके अलावा अब बैलेंस आ जाएगा, जो लेने वाला होगा वो डेबिट में आ जाएगा, देने वाला क्रेडिट में आ जाएगा। तो 2 लाख हमने क्रेडिट में दे दिया, क्रेडिट डेज दे दिए और क्रेडिट की एक लिमिट दे दी हमने, और ये हमने लिमिट देने के बाद इंटर किया और सेव करवा दिया। तो ये अहमद अली की जो पार्टी थी ये हमारे पास रेडी हो गई है, उसको देखने के लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में आए, इंटर किया और हमने अहमद अली को सर्च किया और ये हमारे सामने पार्टी का लेजर ओपन हो गया कि ये पार्टी है, इसका 2 लाख का बैलेंस है क्रेडिट का। इसी तरीके से हमारी पेएबल पार्टीज, रिसीवेबल पार्टीज सारी चार्ट ऑफ सामने बनती जाएंगी, ग्रुपिंग उनकी चेंज होती जाएगी। जैसे हम पुल व्यू करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग सारी चेंज होती जा रही है, ये हमारे पास ये एरिया वाइज पार्टी शुरू होगी 35-01 साहिवाल की पार्टी जितनी भी हैं वो ये सारी हैं 36-37-38। इसी तरीके से आगे जो हमारी ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी तो ये 30 की साहिवाल में 71 तक पार्टी,
उसके बाद 3502 की पार्टी यहाँ से स्टार्ट होगी मोहम्मद शिकुरुल्लाह से। तो इसी तरीके से एरिया वाइज आके पार्टी आती जा रही। इन सब पार्टीज को अगर एक साथ देखना हो तो उसके लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस ओपन करने पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी हमारी कि हमारे ओपनिंग में कैपिटल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, कितने लॉन्ग टर्म लॉन्ग के हेड बने हुए हैं, फिक्स्ड एसेट में हमारे क्या क्या हेड बने हुए हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल्स के क्या क्या हेड बने हैं। नेक्स्ट आ गए, इसके बाद आ गया सप्लायर पेएबल, वो पार्टीज जिनको हमने पेमेंट देने वाली हैं। ग्रुपिंग आ गई पेएबल की और ये पार्टी कोड वाइज आ रहे हैं, अल्फाबेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये वो सब पार्टीज आ रही हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट किया ये सब पार्टीज आ रही हैं। इसी में हमारी जो हमने अभी न्यू बनाई थी अहमद अली के नाम पे, वो पार्टी भी यहीं पे ही इसमें बनी है क्योंकि वो ए में है तो वो अल्फाबेटिकली ए के अंदर आ रही होगी। ये देखिए अहमद अली 168 वाली और ये 2। इसी तरीके से हमारे पास आगे एरिया वाइज रिसीवेबल पार्टी शुरू हो जाती हैं। जब हम एरिया वाइज रिसीवेबल में आए तो 35 रिसीवेबल आया, 3501 साहिवाल का एरिया आया, उसके अंदर ये पार्टीज आ गई जिनसे ये बैलेंस लेने वाला है डेबिट का, तो ये सारी साहिवाल की पार्टीज आ गई। इसी तरीके से अगला एरिया आया बुरे वाला की पार्टीज आ गई। इसी तरीके से नीचे ये तीसरा एरिया आ गया हमारे पास। नेक्स्ट किया ये हमारे पास कगू मंडी का एरिया आ गया, ये उसके नीचे हासिलपुर का आरिफ वाला कई सारे एरिया वाइज पार्टीज आ गए। तो ये टोटल हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर सब एरिया वाइज यहाँ पर पार्टीज बननी आ रही हैं, कौन कौन से एरियाज की क्या क्या पार्टीज हैं और उनसे क्या क्या बैलेंसेज लेने वाले हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें टोटल यहाँ पर हेड आ जाते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस आ गए, बैंक के चार्जेस या शॉप के सिलेंडर के इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब की ग्रुपिंग 5601 में हुई हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे ग्रुपिंग्स के हेड बने हुए हैं एक्सपेंसेस के लिए। ये था एक कम्प्लीट बिजनेस का ट्रायल बैलेंस जो कि हम चार्ट अकाउंट से अपने हेड बनाते हैं और उनको आगे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आइटम आती है कि मास्टर आइटम प्रोफाइल, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाकर सेल करनी होती है वो प्रोडक्ट वो हम यहाँ पर बनाते हैं। हम ऐड करेंगे, कोड देंगे, प्रोडक्ट का नेम देंगे, उसकी पैकिंग, उसका रेट, उसकी पैकिंग के यूनिट और सब मेन कोड। जैसे अगर हम फुल व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मेन कोड आ गया सेल का। उसके बाद हमारे पास आ गया परचेजर नेम कराची वाले का और उसके बाद ये आ गया हमारा उस प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, स्लाइस परफेक्ट पीनट, ये उसके रुपीज और साथ में उसकी डिमांड वगैरह आ गई, साथ में उसकी यूनिट आ गया कि पैकिंग किस लिहाज से है 6x24 और उसके अंदर यूनिट उसका 24 आ गया, रेट उसका ये आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइटम बनाते हैं, ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का नेम देंगे, यहाँ पर हम कोई भी नेम दे देते हैं कॉटन कैंडी के नाम पे, उसका जो भी पैकिंग होगी 1x24 कर देते हैं, रेट उसका हम दे देते हैं हम इतने में देंगे और आके ये पैकिंग कर देंगे, ठीक हो गया। और मेन कोड में हम उसका यहाँ से बता देंगे कि वो कौन सा हमारा सेल का कोड है, हम उसको सचवा वाले में दे देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारी कॉटन कैंडी आइटम रेडी हो। इस कैंडी को रेडी करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स बनाना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल्स हम आइटम प्रोफाइल रॉ मटेरियल में जाके बनाएंगे। इसके लिए हम फुल व्यू करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फ्लेवर्स हैं, रैपर्स हैं, घी है, कोकोनट है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ड्राई मिल्क है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि हमारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं कैंडीज वगैरह या बिस्किट वगैरह बनाने के। तो कोई भी हमने नया जो रॉ मटेरियल बनना है वो भी इस तरीके से ऐड करेंगे, कोड आएगा, नेम आएगा, उसकी पैकिंग आएगी, उसका मेन परचेज कोड आएगा। अब हमने यहाँ से रिटर्न बैक किया और उसके बाद हमारे पास आती है मेन कस्टमर प्रोफाइल आ जाती है, फिर फोन बुक आती है और फिर उसके बाद आती है मास्टर रेसिपी जनरेटर। रेसिपी जनरेटर क्या करता है कि फिनिश कुछ आइटम, यानी कि वो आइटम जो हमारी सेल होनी है प्रोडक्ट ने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर जो मैंने कॉटन कैंडी बनाई थी मैंने वो कैंडी यहाँ सर्च कर ली। नीचे उसने पूछा कि कौन सी मेन आइटम है जिसका आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हम कोई भी का मेन कोड दे के जो भी बॉक्स यूज़ करना है तो बॉक्सेस आ जाएंगे हमारे पास, ये सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से सिंगल जनरेटर्स भी करेंगे हम, उसके आगे वेट बता के उसको ये बता देंगे कि इसमें ये कितने यूज होंगे बॉक्स। इस तरीके से जब हम दोबारा आएंगे हम प्रोडक्ट वही लेंगे और यहाँ पर हम फ्लेवर बता देंगे,
फ्लेवर में से जब हम रॉ मटेरियल सर्च करेंगे तो ये सारे फ्लेवर आ गए, कौन सा फ्लेवर यूज़ होना है वो फ्लेवर यूज़ हो जाएगा। कॉटन हम बॉक्स ऑलरेडी हम ऊपर ऐड कर चुके थे, अब नीचे फ्लेवर आ गया और वेट में हम बताएंगे कि वो कितना यूज़ होगा, एमएल के हिसाब से है या पैकिंग के हिसाब से है। जैसे भी ये लीटर्स में था तो मैंने इसको कर दिया 200 लीटर, तो ये हमारा 200 लीटर उसमें ऐड हो गया। इस तरीके से हम एक प्रोडक्ट की जितनी भी रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होंगे हम उसको वहाँ पर ऐड करते जाएंगे सिंगल यूनिट रेसिपी में, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ उसको सेव करते जाएंगे। रेसिपी बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे उस आइटम की जो हमारी कॉटन कैंडी होगी, तो जो जो रॉ मटेरियल उसकी रेसिपी के अंदर बना होगा लगा होगा हमने जितना सा वेट दिया होगा उतना उतना रॉ मटेरियल हमारे रॉ मटेरियल के स्टॉक में से ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। मास्टर में हमारे पास रॉ मटेरियल के बाद रेसिपी के बाद हमारे पास जैसे कलेक्शन ऑफ रेसिपी, यानी कि हम एक ही आइटम की बनी हुई रेसिपी को दूसरी आइटम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यू आइटम ऊपर देंगे जिसकी ऑलरेडी बनी हुई है रेसिपी, वो हम ऊपर वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका जो भी कम ज़्यादा कमी होगी रेसिपी वो हम चेंज कर देंगे। उसके बाद मेन आ जाता है हमारे पास एट्रिको। एट्रिको में आता है कैश रिसीव वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक वाउचर। जब किसी से कैश रिसीव करेंगे तो कैश रिसीव वाउचर बनेगा, एंट्री एंटर करके हम पार्टी का नेम देंगे, जितना कैश आया है वो कैश लेंगे, और हम यहाँ पर कोई भी रैंडम एक पार्टी उठा लेते हैं, उससे अगर कोई भी बैलेंस लेना होगा वो बैलेंस ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर अभी बैलेंस तो जीरो था लेकिन मैं फिर भी इससे 5,000 एडवांस ले रहा हूँ, वही मैंने चेक कर दिया। जो भी बैलेंस हम लेंगे कैश रिसीव से वो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड में आता जाएगा रोजाना का कि हमने डेली में क्या क्या चीज़ें की हैं। तो ये हमारा इतना बैलेंस था, इसमें हमने 5,000 इस ट्रेडर से ले लिया। इसी तरीके से जब हम किसी को पेमेंट देंगे तो हम कैश पेमेंट वाउचर बनाएंगे। इंटर किया यहाँ पर हमने अहमद अली जो हमारा सप्लायर बनाया था उसी को लिया, 2,00,000 उसका क्रेडिट में आ रहा है तो हमने यहाँ पर 2,00,000 उसको पे कर दिया। कैश के थ्रू पे किया है तो हम सेव कर देंगे कैश पार्टिकुलर में देखिए, तो कैश पेमेंट वाउचर के साथ कैश बुक में से हमारे से 2,00,000 यहाँ से निकल जाएगा और उस पार्टी के लेजर में ऐड हो जाएगा। ये हमारी साइड से 2,00,000 कैश चला गया अहमद को, और जब हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर देखा अहमद अली का तो यहाँ पर हमारे पास ये अहमद अली आया, तो अब उनका लेजर हमें ज़ीरो नज़र आएगा क्योंकि 2,00,000 देना था, 2,00,000 ने दे दिया और अब बैलेंस हो गया है ज़ीरो, ठीक हो गया। इसी तरीके से बैंक का वाउचर आ जाता है। बैंक वाउचर में हम ऊपर बताएंगे कि किस पार्टी को दे रहे हैं और क्रेडिट शेयर कोड में बताएंगे कहाँ से दे रहे हैं, कौन से बैंक से दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर बैंक के अंदर रिसीविंग करते हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पार्टी जो भी होगी हमारे कस्टमर वाली वो क्रेडिट हो जाएगी। हम इनवॉइसेस वाइज भी अमाउंट ले सकते हैं और डायरेक्ट पूरी अमाउंट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड में आए जनरल वाउचर आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाउचर्स लॉन्ग डाटा वाउचर्स आ जाएगा। फिर आ जाता है परचेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की लक्ष्य परचेजिंग होगी, जब हम रॉ मटेरियल परचेज में गए हम यहाँ पर सप्लायर का नेम देंगे, जैसे हमने यहाँ पर अहमद अली जो हमारा सप्लायर बनाया था उसी को हमने ले लिया। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदना चाहेंगे हम यहाँ से परचेजर कोड देंगे कि हम कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें कौन सी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट का बताएंगे, और यहाँ पर कितनी पैकिंग है वो पैकिंग बताएंगे, किस रेट में थी वो रेट आ जाएगा, और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल अंगूर कैंडी बॉक्स के ये 100 हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर ये हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक अलग से दिखाएगा, तो जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक इन हैंड आएगा। इसको हम इंटर करके ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें फ्लेवर्स बॉक्सेस हर चीज़ अलग अलग आ रही है, रैपर्स आ रहे हैं, ये बॉक्सेस आ गए। बॉक्सेस के अंदर जो हमने अभी खरीदे थे अंगूर वाले वो भी इन्हीं में ही ऐड हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बने हुए हैं तो ये इसी के अंदर सारे ऐड हो गए। इन्हीं के अंदर ये टोटल उनका स्टॉक आ रहा है, कितना कितना हमारे पास बॉक्सेस पड़े हैं रॉ मटेरियल में। जब हम परचेजिंग कर लेंगे रॉ मटेरियल की तो उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि हम आइटम को पहले रेडी करेंगे सेल वाली, फिर हम उसकी सेलिंग वर्क करेंगे। तो प्रोडक्शन में आए और यहाँ पर हम को आइटम को विदाउट रेसिपी भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसका एक इकट्ठा जो भी हम स्टॉक यूज़ करना चाहेंगे रॉ मटेरियल का वो उनको इशू करके तो एक ऑर्डर दे देंगे, इतना हमें और प्रोडक्ट चाहिए वो इशू होकर बन जाएंगी। लेकिन अगर हम कहते हैं विद रेसिपी वो बनाए तो हम एन आइटम प्रोडक्ट प्रोडक्शन विद रेसिपी करेंगे,
हमने यहाँ पर इंटर किया इंटर किया इंटर किया और ये हमने एक्सपीरियंस कोर्स दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर हम यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं जो हमारे लिए काम करेगा ताकि उसके लिए उसका एक्सपीरियंस बने। तो हम यहाँ से कोई भी पेबल में कॉन्ट्रैक्टर बना के कौन सी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट बताएंगे। कॉटन कैंडी जो हमने खुद बनाई थी अभी वही हमने ले ली, उसकी पैकिंग ये थी। हमने कहा हम 500 केस बना रहे हैं न्यू, तो क्वांटिटी इतनी उसकी होगी फिलिंग के हिसाब से। और मेकिंग का रेट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने देना है वो कितना है, एक बॉक्स का अगर हम कहते हैं 1 रुपया है तो 500 केस का 500 वेजेस बन जाएगा। अगर 5 रुपये हम एक बॉक्स के रखेंगे तो 2500 500 बॉक्स के बन जाएंगे। तो ये वेजेस ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्टर के खाते में ऐड हो जाएंगी। और जो ये हमारे केसेस 500 बने हैं ये हमारे पास यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इन हैंड में आ जाएगी सेल होने की। अब हम स्टॉक इन हैंड में आए, हमने यहाँ पर रिपोर्ट ओपन की तो फिर हमारे पास फिनिश कुछ का स्टॉक दिखाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडी हो चुकी हैं सेल के लिए। ये हमारे पास डिमांड वाइज आ रही हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट ऐड हैं, इसके अलावा हमारे पास ये दूसरी प्रोडक्ट ऐड बनी हुई हैं, ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं। अब हमने अजवा के अंदर कॉटन कैंडी बनाई थी जिसके हमने 500 बॉक्सेस बनाए थे, तो ये हमारे पास कॉटन में कॉटन कैंडी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसकी प्रोडक्शन की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन चुकी है, आप डेली की प्रोडक्शन देख सकते हैं। हमने यहाँ पर आज की रिपोर्ट निकाली तो जो भी आज के दिन की प्रोडक्शन हुई है उसकी अलग से रिपोर्ट बन जाएगी कि कौन कौन सी आइटम आज के दिन में प्रोडक्शन से गुजरी थी। तो अजवा की कॉटन कैंडी के 500 केसेस बने थे इतनी वैल्यू के, तो ये उसमें आज की प्रोडक्शन था। इसी तरीके से रॉ मटेरियल की परचेजिंग जो हमने की है वो डेली रॉ मटेरियल परचेज में देख सकते हैं। तो हमने जो जो प्रोडक्शन सामने परचेज की थी ये शुरू से अंत तक सारी डेट्स का दिखा रहा है। अगर हम सिर्फ एग्जैक्ट डेट का देखना चाहेंगे तो हम आज की एग्जैक्ट डेट दे देंगे और जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो सिर्फ आज के डेट का दिखाएगा कि ये कैंडी बॉक्सेज हमने 100 परचेज किए थे जो कि अभी हमने परचेज इनवॉइस में बनाए थे। तो इस तरीके से परचेज की मंथ वाइज पार्टी वाइज और ये सप्लायर वाइज सारी हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, रॉ मटेरियल की अलग से रिपोर्ट्स आएंगी, स्टॉक की और जो हमारा फिनिश गुड स्टॉक है यानी कि जो हमारा सेल होने वाला स्टॉक है उसकी अलग से रिपोर्ट्स आएंगी। इसके बाद हमारी मेन चीज़ रह जाती है सेल की। तो सेल के अंदर जब हम आते हैं तो सेल इनवॉइस पर आए, यहाँ पर हमने आके पार्टी बतानी है कि हमने किसको सेल करना है। हमने यहाँ पर कोई भी एक रिसीवेबल पार्टी उठा ली, पार्टी का कोड आ गया, नीचे उसका गाड़ी का नंबर बिल्टी नंबर और ऑर्डर नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट बताएंगे कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमने कहा कॉटन कैंडी हम सेल कर रहे हैं। जैसे हमने कॉटन कैंडी उठाई तो हमारे पास स्टॉक इसमें दिखाया 500 पड़ी हैं, तो हम 100 केसेस सेल कर रहे हैं किस रेट में, 500 जो हमने आइटम प्रोफाइल में बनाते हुए ऐड किया। उससे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो टोटल 50,000 है। कितना रिसीव हुआ है हमें अभी, अगर रिसीव हो जाएगा तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे, वरना अगर नहीं हमें रिसीव होता तो ये सीधा पार्टी के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमने सेव करवा दिया, यहाँ से हम बिल भी प्रिंट करके देंगे उनको और गेट पास भी। बिल प्रिंटिंग पर आए तो यहाँ पर हमने जब बिल प्रिंट किया तो ये हमारे पास एक बिल बन के आ गया इस पार्टी के नेम पे, कॉटन कैंडी इतने बॉक्सेज इस रेट में, टोटल हमारा ये 50,000 का बिल बन गया। तो मैसेज होंगे ये बिल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से सेल के अंदर ही हमारे पास सेल इनवॉइस में गेट पास भी बन जाएगा, जब हम गेट पास निकालेंगे तो वो भी हमारे पास ये शो हो जाएगा। इस तरीके से कॉटन कैंडी के इतने बॉक्सेज जा रहे हैं ये उसका गेट पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो भी हमने सेल की है उसकी अलग से रिपोर्ट आएंगी सेल रिपोर्ट में, डेली सेल रिपोर्ट, मंथ वाइज सेल रिपोर्ट, पार्टी वाइज। अगर डेली की सेल रिपोर्ट निकालेंगे हम उसकी एग्जैक्ट डेट देंगे क्योंकि हमने एक ही दिन की देखनी है, तो उसमें भी हमारे पास डेट वाइज, समरी वाइज, मंथ वाइज सारी हमारे पास रिपोर्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ सेल की थी अभी वो हमारे पास आ गई, हमने 50,000 की आज के दिन की सेल की। इसके अलावा हमारे पास एड रिकॉर्ड में आ जाता है मटेरियल की एडजस्टमेंट वगैरह, प्रोडक्शन की एडजस्टमेंट आती है, एडिटिंग आ जाएगी रॉ मटेरियल की, सेल की और इसके अलावा वॉचेस की, रिटर्न आ जाती हैं रॉ मटेरियल की, सेल की और मटेरियल इश्यूज की। इसके बाद जर्नल गेट पास आ जाते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए, अगर हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं या अंदर लाते हैं वापस कहीं भी वर्क हमारे जो भी फिलिंग वगैरह के लिए भेजते हैं तो उसका यहाँ से गेट पास बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर GR कोई भी बना बनाया अगर देखते हैं तो इस तरीके से हमारा गेट पास आउटवर्ड का बन के आएगा।
और अगर हम इन्वर्टर देखना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वर्टर का भी गेट पास ऐसे बन के आ जाएगा, तो ये यहाँ पर जो भी गेट पास होगा वो बन के सामने आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड के बाद आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने लेजर देखा है, लेजर शॉर्ट पीरियड होगा सब पार्टीज के लिए, लेजर डिटेल में आ जाएगा। किसी भी पार्टी का लेजर देखेंगे तो उसका लेजर डिटेल में भी आएगा कि क्या कितनी प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में किस रेट में कितनी अमाउंट की खरीदी गई थी या दी गई, तो ये टोटल डिटेल में लेजर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कैश बुक आ जाती है, 12 बैलेंस 7 1 लेवल 2 लेवल 3 आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है कि हमारा बिजनेस का भी कैश हो क्या चल रही है, कितना प्रॉफिट में है, कितने पैसे देने वाले हैं, कितने लेने वाले हैं, टोटल क्या हमारा बिजनेस जा रहा है, तो ये टोटल आ जाएगी रिपोर्ट। सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, खर्चे कितने हैं, सेलिंग का कितना, फाइनेंशियली कितना है और लास्ट बैलेंस कितना पड़ा है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जर्नल की रिपोर्ट्स आ जाएंगी सारी, कैश फ्लो की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की अलग से रिपोर्ट्स हैं, सेल की अलग से हैं, प्रोडक्शन की अलग से हैं, रॉ मटेरियल की अलग से हैं, स्टॉक की अलग से हैं, और यूटिलिटी में हमारे पास बैकअप की ऑप्शन है। इसके अलावा हम वॉचेस की कोई भी गलत एंट्री हो जाती है डिलीट कर सकते हैं। इसमें ईयर बिटवीन यूज़र राइट्स के हमारे पास ऑप्शन है, हम यूज़र को अपनी मर्जी से राइट्स भी दे सकते हैं। मज़ीद ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।